दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी के बीच आईपीएल 2019 का 42वां मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। और इस मैच से पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। और इस लक्ष्य के जवाब में पंजाब की टीम जो है वो निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 185 रन ही बना पाई। इस मैच के दौरान एक दिलचस्प घटना हमें देखने को मिली, तो बताएंगे आपको उस घटना के बारे में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आईपीएल क्रिकेट की मजेदार जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल आपको बता दें कि जब पंजाब की टीम को आखिर के ओवर में 27 रन चाहिए थे तो स्ट्राइक में पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन थे। उन्होंने उमेश यादव की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया और अब टीम को जीतने के लिए 5 गेंदों में 21 रन की जरूरत थी। वहीं अश्विन ने एक बार फिर से दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन यहां पर इस बार बाउंड्री लाइन पर खड़े आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान अश्विन का कैच पकड़कर उनको चलता किया। अश्विन का कैच लेने के साथ ही आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने अभद्र व्यवहार भी किया। उन्होंने अपने हाथ से अश्विन को एक बहुत ही गलत तरीके से इशारा किया, शायद ये उन्हें शोभा भी नहीं देता अगर क्रिकेटिंग सेंस की बात करें तो। वहीं जब अश्विन पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो वो भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और डगआउट में पहुंचकर उन्होंने अपने ग्लव्स को गुस्से से फेंक मारा। बता दें कि अश्विन अपनी बल्लेबाजी में 2 गेंदों का सामना करके मात्र 6 ही रन बना पाए। और आपको बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की यह टूर्नामेंट में 6ठी हार है, तो वहीं आरसीबी की लगातार इस टूर्नामेंट में 3री, तो वहीं ओवरऑल 4थी जीत है। दोस्तों क्या विराट कोहली को ऐसा व्यवहार करना उचित था या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आईपीएल क्रिकेट की मजेदार जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं।